नमस्ते भैया भौजी, कैसन बा? अभी हमरे गांव में भैंस की सवारी करने वाला लड़का सब बहुत टेंशन में आ गया है। वो का है कि पहले वो लोग भैंस को चराते हुए अपने मोबाइल में यूट्यूब पर भोजपुरी गाना सब सुनते रहता था, लेकिन मुकेश चाचा कह दिए हैं कि अब से जियो फ्री में नहीं मिलेगा, जियो का नेट यूज करने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। इसी के कारण उनका टेंशन बढ़ गया है, लेकिन हमारे हिसाब से उनका टेंशन ज़्यादा नहीं बढ़ा है। कहा कि 5-6 लीटर दूध बेच देंगे तो डेटा का पैसा आ जाएगा, फिर से वो आराम से जो काम कर रहे थे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये शिवरात्रि गुजरा है, अरे आप देखे कि नहीं, वहाँ पर कोयम्बटूर में 118 फुट का शिवलिंग का उद्घाटन हुआ है। अपने मोदी चाचा गए थे, बहुत बढ़िया शिवलिंग है। आप लोग तो शिवरात्रि में फास्टिंग भी रखे हुए थे, श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर का पूजा किए। और हाँ, फास्टिंग से याद आया कि उसी टाइम में अपना क्रिकेट का एगो मैच भी चल रहा था, और उस फास्टिंग में हमको ऐसा लग रहा है कि अपने क्रिकेटर सब भी फास्टिंग पर थे। कहे कि वो लोग पूरा थके हुए थे, इसलिए ठीक से खेल नहीं पा रहे थे। एगो चीज़ हमको और लग रहा है, वो का कि जो भोले बाबा का प्रसाद होता है ना, अरे वही सही पकड़े हैं, वो भांग वो लगता है वो भी चढ़ा लिए थे वो लोग। काहे कि अपने बैट्समैन को बॉल किन्ने से आके किन्ने चला जा रहा था, उनको पता नहीं चल रहा था, बॉल आके सीधा विकेट में लग जा रहा था। तो हमको लग रहा है उसका भी थोड़ा असर हो सकता है, मतलब मेरा अंदाज़ा है। वैसे आप लोग घबराइए मत, हो सकता है कि अगले का मैच में अपन लोग सब चीज़ का बदला एक के बार ले लेंगे, और बदला ज़रूर लेंगे अपन। और अभी एगो बहुत निरीह जानवर, मतलब कि सब उसको दुत्कारते रहता था, सब उसको चिढ़ाते रहता है कि भैया तुम तो बहुत बुर्बक हो, आजकल बहुत खुश चल रहा है। अरे उसका वजह ये है कि देश का बड़का बड़का नेता सब उन्हीं का चर्चा कर रहा है। अरे हाँ, हम गधा का बात कर रहे हैं, पूरा पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया है, इसी वजह से आजकल बहुत हैप्पी चल रहा है। वैसे अपन लोग भी गधा से कम नहीं है, हम लोग को गधा मजूरी करते रहना पड़ता है। तो भाइयों, अभी हमको मजदूरी करने के लिए जाना है, फिर मिलेंगे अपना दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, टेंशन फ्री होके। जय राम जी की।